तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो बीए के हैं और हिंदी है, उनका सब्जेक्ट हिंदी तो कंपलसरी ही है। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर रिलेटेड हिंदी से ही बताता हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट को उससे हेल्प मिल सके। फिलहाल मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो राजनीतिक शास्त्र से थी, अभी तक वो वीडियो नहीं देखा जिन स्टूडेंट ने, चैनल पर जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप पढ़ेंगे तो आई होप आपको एग्जाम में पूरी तरह हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, इस पर सारे क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, क्वेश्चन और आंसर दोनों, और साथ में पीडीएफ भी कोशिश करता हूँ डालने की। ठीक है, और ये फेसबुक पेज है, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इस पर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा, क्रोम पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज के इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेसक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो नंबर एक ऑप्शन है गाजीपुर, बी नंबर है रायबरेली, सी नंबर है आजमगढ़, डी नंबर है उन्नाव। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा जिसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई होप इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो रामविलास शर्मा जिससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आप पूरे कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, उन्नाव में डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ था? अभी तो बात हुई थी किस जिले में हुआ था, तो आप लोगों को पता ही होगा उन्नाव किस प्रदेश में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अदरवाइज बाद में मत बोलिएगा सर आपने जो बताया उसमें से आया नहीं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो देखते ही नहीं, हो सकता है लास्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? नंबर एक है 1898 में, बी नंबर है 1912, सी नंबर है 1920 और डी नंबर है 1902। तो ये तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये तो जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1912, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस भाषा में परानास्तमक किया था? तो नंबर एक है इंग्लिश में, बी नंबर है फारसी में और सी नंबर है हिंदी में और डी नंबर है संस्कृत में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने परास्नातक किया था, किस में किया था? इंग्लिश में किया था, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस प्रकार के विचारक थे? नंबर एक मार्क्सवादी, बी नंबर है नकेनवादी और सी नंबर छायावादी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे वो मार्क्सवादी विचारक थे, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाता है ए नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्था और सौंदर्य का रचना काल क्या है? तो नंबर एक है 1930, बी नंबर है 1961, सी नंबर है 1945 और डी नंबर है 1950। तो आस्था और सौंदर्य, ठीक है, का जो रचना काल है वो है 1961, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और समाज किसकी कृति है? तो नंबर एक है रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर है हजाय प्रसाद, डी नंबर डॉक्टर रामविलास और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा और समाज है वो श्री डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की कृति है या रचना है, ऐसा भी कह सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के प्रिय रचनाकार कौन है? नंबर एक है रामकुमार वर्मा वर्गे, और बी नंबर है निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और प्रेमचंद, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर है प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा निराला जी और प्रेमचंद, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के जो प्रिय रचनाकार हैं वो निराला जी हैं यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और प्रेमचंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारतेंदु हरिश्चंद और हिंदी जागरण आलोचना किसकी कृत है? नंबर एक महादेवी वर्मा, बी नंबर रामविलास शर्मा और डी नंबर है नरेंद्र शर्मा और डी नंबर है दिनकर। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मैं श्री डॉक्टर रामविलास शर्मा जी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताने ही वाला हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ कि सब जितने भी लेखक हैं जितने भी कवि हैं सबका एक सेपरेट सारे, जैसे कि अब मैंने आज वीडियो बनाई तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन रामविलास शर्मा जी से होने वाले हैं। ठीक है, जिससे कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो कि इनका यहाँ हो गया उनका वहाँ हो गया जन्म, उस पर कन्फ्यूजन ना दे, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कि आज किस वीडियो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा कि सर सही बता रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट को लगा हो कि मैं सही कर रहा हूँ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विराम चिन्ह किसकी कृति है? नंबर एक जयशंकर प्रसाद, बी नंबर है रामचंद्र शुक्ल और सी नंबर रामविलास शर्मा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मालूम है आज की इस वीडियो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, श्री रामविलास शर्मा जी के बारे में, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं जो आप जानना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है संत कवि पलायनवादी नहीं है, ये पंक्ति किस संबंध से ली गई है? नंबर एक लोकप्रीति, बी नंबर साहित्य सहचर, सी नंबर लेखक और जनता और डी नंबर है नंददास। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, लेखक और जनता से ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कथा विवेचन और गद्य शिल्प निबंध किसका है? नंबर एक नरेंद्र देव, बी नंबर धर्मवीर भारती और सी नंबर डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी नंबर है पंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कथा विवेचना और गद्य शिल्प निबंध श्री डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निराला की साहित्य साधना कृत कितने भागों में है? नंबर एक 8, बी नंबर 4 और सी नंबर है 12 और डी नंबर है 3। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर 3, निराला साहित्य की साधना कृत की जो भाग की संख्या है वो 3 है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने PhD कहाँ से की थी? देहरादून से, दिल्ली से, आगरा से, लखनऊ विश्वविद्यालय ने। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने जो PhD की थी, ठीक है, वो की थी लखनऊ विश्वविद्यालय से, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रारंभ में किस नाम से कविताएं लिखते थे? यानी कि जब स्टार्टिंग में जब डॉक्टर रामविलास ने अपनी करियर की शुरुआत की थी, ठीक है, लेखक के उपाधि में, ठीक है, तो वो जो कविताएं लिखते थे वो किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो नंबर एक है गगन, बी नंबर है जगत और सी नंबर है अज्ञा वैताल और डी नंबर है रामपेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अज्ञा वैताल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे अज्ञा वैताल क्या ऑप्शन है। ठीक है, अच्छी बात है, जो उन्होंने अपनी करियर की स्टार्ट की थी तो उन्होंने इसी से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक जागरण और हिंदी साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? महावीर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सी नंबर रामविलास शर्मा और डी नंबर अज्ञा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की साहित्य यात्रा का श्री गणेश किसके लेखन से हुआ? नंबर एक पत्रिका, बी नंबर आलोचना, सी नंबर उपन्यास, डी नंबर कविता। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। जैसा कि अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि जो रामविलास शर्मा जी थे यानी कि शुरुआत में जो कविताएं लिखते थे वो किस पे लिखते थे, मैं क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना कि डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रारंभ में किस नाम से कविताएं लिखते थे, तो प्रारंभ इन्होंने किससे किया था, कविताओं से किया था। ठीक है, रामविलास शर्मा की साहित्य की जो यात्रा का श्री गणेश हुआ यानी प्रारंभ हुआ वो कविता के लेखन से हुआ, इसलिए राइट आंसर इसका कविता हो जाएगा। उसमें आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर कविता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
मार्क्सवादी और प्रगतिशील साहित्य किसकी कृति है? नंबर एक डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सी नंबर प्रेमचंद, डी नंबर अज्ञेय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साहित्य और संस्कृत का रचना काल क्या है? ठीक है, तो जो साहित्य और संस्कृत की जो रचना काल है किस सन में की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है एक 1969, बी नंबर है 1946, सी नंबर 1949 और डी नंबर है 1908। तो साहित्य और संस्कृत की जो रचना काल है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 1949 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? नंबर एक है 1990, बी नंबर है 2000, सी नंबर 1904, डी नंबर है 1980। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का निधन हुआ था सन 2000 में, ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, 2000 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन था कि कब हुआ था, अब कहाँ हुआ था। तो नंबर एक है गोंडा, बी नंबर चंडीगढ़, और सी नंबर है दिल्ली, और डी नंबर है जयपुर। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का निधन जहाँ हुआ था वो हुआ था दिल्ली में हुआ था, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा सी नंबर। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, ठीक है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, उनकी मेन कृति क्या थी, उनकी करियर किस कृति से स्टार्ट हुई है, और उनका निधन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके गुरु क्या थे। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से क्वेश्चन आने ही आते ही हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आई होप आप लोग पूरे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आई होप एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आशा करता हूँ। ठीक है, तो आपको आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल मैंने इन सब की पीडीएफ भी तैयार कर ली। इस वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन डाले, मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो डाल दें। ठीक है, बताएं आप लोगों को और भी क्वेश्चन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी से रिलेटेड। ठीक है, तो उनको मैं अपने वेबसाइट पर, यानी कि जब आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे, जिसके बारे में अभी ऊपर मैंने बात की थी वेबसाइट के बारे में, तो उस पर आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी से रिलेटेड। क्योंकि इस वीडियो में हमें ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करता तो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने वेबसाइट पे और क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम मिल जाएंगे अच्छे खासे क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें फिलहाल 21 ही थे, उसमें और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे पीडीएफ सहित। ठीक है, और बस आज के इस वीडियो में नए क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन आपका है, आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने एक नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है हिंदी न्यूज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसको भी सपोर्ट करिए, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।